छत्तीसगढ़ के बीजापुर जिले के तर्रेम में नक्सलियों के साथ मुठभेड़ के दौरान अगवा किए गए राकेश्वर सिंह मनहास गुरुवार को सकुशल वापस लौट आए हैं। बता दें कि राकेश्वर सिंह मनहास 6 दिनों तक नक्सलियों की कैद में थे। नक्सलियों ने मनहास को बस्तर के गांधी कहे जाने वाले धर्मपाल सैनी के हवाले किया था। वहीं राकेश्वर सिंह मनहास ने बताया कि इन 6 दिनों में उनके साथ किसी तरह की मारपीट नहीं की गई थी। बता दें कि 3 अप्रैल को मुठभेड़ के दौरान वह नक्सलियों के बीच घिर गए थे और जिसके बाद उन्हें शांति से आत्मसमर्पण करने के लिए कहा था और कलगुड़ा जोनागुड़ा गांव के पास से उन्हें नक्सलियों ने अपनी गिरफ्त में ले लिया था और इसके बाद कहां कहां ले जाया गया इसकी उन्हें सही सही जानकारी नहीं है। उन्हें जब भी एक जगह से दूसरी जगह ले जाया जाता तो आंखों पर पट्टी बांध दी जाती थी। वहीं नक्सलियों ने आपस में बातचीत के बाद निर्णय लिया था कि मनहास को सुरक्षित लौटा दिया जाए। हालांकि नक्सलियों ने मनहास को छोड़ने के लिए अदालत भी लगाई थी, जहां जवान राकेश्वर सिंह मनहास को बाइक से तर्रेम कैंप लाकर CRPF के DIG कोमल सिंह को सौंपा गया।